हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए बी हेल्पिंग के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बताने वाले हैं भारतीय नौसेना की तरफ से आई एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारे भारतीय सरकार द्वारा लाई गई स्कीम अग्निवीर योजना के तहत निकाली गई है। दोस्तों, यह वैकेंसी इंडियन नेवी के SSR और MR पद के लिए निकाला गया है। तो आइए जानते हैं कि इसमें आप कब तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या क्या है, और इसमें अग्निवीर योजना के तहत रिटायर्ड होने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ए बी हेल्पिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही नई नई वैकेंसियों का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, इसमें आवेदन तिथि की बात करें तो दोस्तों, इसमें SSR पद के लिए आप 15 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं और इसके अंतिम तिथि 22 जुलाई तक रखी गई है। यहीं इसके MR पद के लिए आप 25 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई तक रखी गई है। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों, इसमें आवेदन के लिए आपका कम से कम 17.5 साल उम्र होना जरूरी है और अधिक से अधिक आपका उम्र 23 साल तक होना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड है। इसके लिए आवश्यक योग्यता की बात करें दोस्तों, इसके SSR पद के लिए आपका कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें आप PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो तो चलेगा। यहीं इसके MR पद के लिए आपका सिर्फ 10वीं पास होना ही आवश्यक है। इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं अगर इसके रनिंग की बात करें तो दोस्तों, अगर आप मेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट 30 सेकेंड में तय करना होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए 8 मिनट मिलेगा उतनी ही दूरी तय करने के लिए। इसके अलावा मेल के लिए 20 टाइम उठक बैठक और फीमेल के लिए 15 मिनट दिया गया है, और मेल के लिए 12 बार पुशअप का भी प्रावधान रखा गया है। इसके आवेदन फीस की बात करें दोस्तों, इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी प्रकार का फीस नहीं रखा गया, यानी आप फ्री में इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि आपको जान लेना चाहिए आवेदन करने से पहले। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो भर्ती है सिर्फ 4 साल के लिए होगी, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ से रिटायर होने के बाद आप चाहे तो किसी भी संस्थान में जाकर जॉब कर सकते हैं। यहाँ से रिटायर होने के बाद आपको अलग अलग राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरह की छूट प्रदान की जाएगी, जैसे कि अगर आप असम राइफल्स में जाते हैं तो आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसी प्रकार अलग अलग राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरह की छूट दी जाएगी, जैसा कि सरकारों ने कहा है। इसके अलावा आपका नौकरी के पीरियड में 48 लाख का जीवन सुरक्षा बीमा होगा, और इसमें से रिटायर होने के बाद आपको कुछ राशि प्रदान की जाएगी, और भी बहुत सारी सुविधा आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक बार नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ ले, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।